अगर आप ट्रेडिंग करते हुए सिर्फ एक टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फेक सिग्नल देखने को मिलेंगे और इस वजह से आपको लॉस होगा। यानी जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें, और इसके बारे में हमने डिटेल में आपको हमारी बेस्ट टाइम फ्रेम वाली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि उस मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करना कैसे है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कॉमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, यानी अगर आप एक चार्ट को एनालाइज करने की शुरुआत कर रहे हैं तो वो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप 5 मिनट में एनालाइज करें और 5 मिनट में ही ट्रेड ले लें। इसकी जगह पे जब आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो वो एनालिसिस आपने बहुत सारे टाइम फ्रेम में करना होगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है काफी सारे टाइम फ्रेम है, तो सभी टाइम फ्रेम में तो नहीं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं जहां पर आपको एक चार्ट को एनालाइज करना है उनके बारे में समझते हैं। तो अब ये जो टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया जाता है ना, ये करने के 2 तरीके होते हैं। इसमें जो पहला तरीका होता है वो होता है टॉप टू डाउन अप्रोच, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है बॉटम टू अप अप्रोच। तो टॉप टू डाउन अप्रोच में सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पर हम 1 वीक की कैंडल में एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर हम 1 डे में एनालाइज करते हैं, फिर हम 1 आवर में एनालाइज करते हैं, उसके बाद 15 मिनट में एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर अगर हमें 5 मिनट में ट्रेडिंग करनी है तो फिर हम 5 मिनट में भी एनालाइज करेंगे, और अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो फिर हम 1 मिनट में भी एनालिसिस करेंगे। यानी हमारा जो एनालिसिस होना चाहिए वो इतने सारे टाइम फ्रेम में होना चाहिए। और इसका उल्टा अगर हम बॉटम टू अप अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पर यह उल्टा हो जाएगा। यहां पर हम 1 मिनट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक, इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। अब इसमें देखो दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हमें टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। इसका रीजन यह है कि जब आप बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो करते हैं ना, तो यहां पर आप पहले से ही अपने माइंड में एक जजमेंट बना लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि अभी 5 मिनट में मार्केट बढ़ रहा है, तो आप यही मान के चलेंगे कि मार्केट बढ़ रहा है और उसी हिसाब से आप ट्रेड लेने की सोचेंगे। जबकि आप टॉप टू डाउन अप्रोच में क्योंकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से छोटे पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर आपका जो ओपिनियन होगा वो अनबायस्ड होगा। तो अब ये टॉप टू डाउन अप्रोच में एनालिसिस करना कैसे है और कैसे अपने लेवल्स निकालने हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। वैसे अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, और हां, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो हम टॉप टू डाउन अप्रोच को ही फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हम शुरुआत करते हैं 1 वीक की कैंडल से। वैसे यहां पर आपको 1 ईयर की कैंडल भी देखने को मिलती है, 1 मंथ की कैंडल भी देखने को मिलती है। तो कौन सी ट्रेडिंग के हिसाब से, कौन सी इन्वेस्टिंग के हिसाब से, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिलहाल आज हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी शुरुआत करनी है वीकली कैंडल से। मंथली कैंडल से करके कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है तो हम वीकली कैंडल से अपनी शुरुआत करेंगे। तो यहां पर आपका जो टाइम फ्रेम होता है, यहां से आपने 1 वीक सेलेक्ट कर लेना है। अब जब आप 1 वीक सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होगा, यहां पर एक एक कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है ये 1 हफ्ते की कैंडल है। तो यहां पर आपने देखना है कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर जाने के बाद शेयर की प्राइस ने रिवर्स किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे गिर रही थी, इस पॉइंट पर आने के बाद प्राइस बढ़ने लग गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे प्राइस पहले बढ़ रही थी, इस पॉइंट पे आने के बाद नीचे आ गई। यहां पर भी आपको एक जोन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये वाला एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है जिसके बाद से प्राइस गिरी थी, ये वाला आपको एक एरिया देखने को मिल रहा है जिसके बाद से प्राइस बढ़ी थी। तो अब आपको पता है कि जिस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस बढ़ती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट। तो ये वाला जो जोन है हमारा, ये हमारा सपोर्ट है, और जिस पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस गिरती है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपको हमारा कहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी जगह पे प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लिया है। तो यहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है,
ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जगह इसका एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करने की जगह रेक्टेंगल को यूज करना होगा। तो रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ करने का जो टूल है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको रेक्टेंगल दिख गया। तो आपने इस तरीके से रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जिस एरिया से आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस रिवर्स हुई है उस एरिया पे जाकर आपने अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जोन हमें दिखाई दे रहा है इस जोन में आने के बाद प्राइस रिवर्स हुई थी। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस जगह पर जो शेयर की प्राइस है उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम किया है। पहले यहां पे देखिए, प्राइस जब इस जोन के नीचे थी तब ये जो जोन था ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया उसके बाद इसने क्या काम किया, उसने सपोर्ट की तरह काम किया है। तो यहां पर आपको हमारा एक लेवल देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा तो यहां पर आपको इस जगह पर भी इसका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है इस जगह पर आने के बाद प्राइस बढ़ी है और प्राइस अभी इससे ऊपर जा चुकी है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा एक सपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके जाने के बाद प्राइस गिर रही है। तो देखिए, ऊपर तो अभी जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो यहां पर तो हमें कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जाने के बाद बार बार प्राइस नीचे गिरी थी। तो ये वाला जो हमारा जोन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इससे लगते हुए भी मैं यहां पर एक जोन ड्रॉ कर देता हूं जिससे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो निकल कर आ जाएगा, फिलहाल वो भी एक सपोर्ट ही होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा जोन है यहां पर भी हमारा एक रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया था और उसके बाद ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। तो ये दो लेवल हमने सबसे पहले वीकली कैंडल पे ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हमने वीकली पे एनालाइज कर दिया है। अब हम हमारा जो टाइम फ्रेम है इसको यहां से चेंज करके कर देंगे वन डे का, यानी अब हम जो एनालिसिस करेंगे वो हम वन डे की कैंडल में करेंगे। तो यहां पर भी आपको देखना है, ध्यान से देखते रहिए और समझिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे जाने के बाद प्राइस ने रिवर्स किया है। तो यहां पर आपको एक ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, एक ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो हम यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पर लेवल्स निकालना सिखा रहा हूं। तो यहां पर हमें ये जो दो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं हम इससे लगते हुए एक जोन ड्रॉ कर देंगे, और इसके अलावा ये भी एक हमारा जो पॉइंट है इस जगह से भी शेयर की प्राइस ने वापस सपोर्ट लिया था, तो यहां पर भी हम अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। तो वापस से इसके लिए हमें रेक्टेंगल वाले टूल को सेलेक्ट करना है। तो हमने यहां से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से हम यहां पर एक रेक्टेंगल जोन हमने यहां पर बना लिया है। तो इस तरीके से हमने एक लेवल यहां पर भी बना दिया है, और ऐसे ही हमें यहां पर एक और लेवल देखने को मिल रहा है जो कि हमें सपोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी हम एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस जगह पर हमें एक और लेवल देखने को मिल गया है, तो ये हो गया है हमारा दूसरा लेवल। तो इस तरीके से हमने अब डेली टाइम फ्रेम में भी चार्ट को एनालाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम को बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हमने जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 1 आवर सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम यहां पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा जोन है जिस पे जाने के बाद प्राइस वापस से रिवर्स कर गई थी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे जाने के बाद बार बार प्राइस ने रिवर्स किया है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसका उल्टा कौन सा ऐसा जोन है जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस से गिर गई थी, तो ये आपको वो जोन देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहां से हमारे जो आर्ली लेवल्स हैं वो भी निकल कर आ जाएंगे। तो अब हम इससे लगते हुए भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर फिर से हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है। तो एक हमारा जो लेवल है वो यहां पर है जो कि हमारे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और दूसरा हमारा जो लेवल है वो हमारा ऊपर है। तो यहां पर एक लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है, और इसके बाद जो मेरा दूसरा लेवल है मैं उसको भी ड्रॉ कर दूंगा। तो इसके लिए फिर से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, और यहां पर हमारा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो इस जगह पे भी मैंने अपना लेवल ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमारे सामने यहां पर आर्ली लेवल्स निकल कर आ गए हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम प्लान कर रहे हैं कि हम निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जिसमें हम आपको बताएं कि कहां पर ट्रेडिंग करना बेस्ट है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तो ही हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और इसके साथ ही कमेंट करके ये भी जरूर बता दीजिएगा कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते ही नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो अब हम फिर से टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और जो अपना टाइम फ्रेम कर देंगे वो होगा 15 मिनट। आप चाहें तो 30 मिनट में भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आर के बाद आप 15 मिनट में एनालाइज करें तो वह बेटर रहेगा। तो अब हमें फिर से देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जाने के बाद प्राइस रिवर्स हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जाने के बाद प्राइस रिवर्स हुई है, इसके अलावा यहां पर जाने के बाद प्राइस ने एक रिवर्सल लिया है। तो सपोर्ट हमें इस लेवल पे देखने को मिल रहा है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप ये वाला पॉइंट देखें, यहां पर आपको बार बार देखने को मिला है कि इसके बाद जो प्राइस थी वो वापस नीचे गिर गई थी, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर अब हम फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ कर देंगे। फिर से हमने यहां पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा एरिया है इससे लगते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। हर बार हम यही कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से एक लेवल ड्रॉ कर लिया है, और इसके साथ ही यहां पर हमने अपने रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना है। तो इस जगह पर हमें बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिला है, इस वाले जोन में भी देखने को मिला है, तो हम यहां पर भी अपना एक लेवल ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहां पर भी लेवल ड्रॉ कर दिया है। तो अब हमारे सामने 15 मिनट के भी लेवल निकल कर आ गए हैं। फिलहाल मैं इस वाला जो लेवल है इसको थोड़ा आगे को कर देता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो शेयर की प्राइस है वो अभी हमारे इस लेवल के आसपास आ चुकी है। तो अगर इसको ब्रेक कर देती है तो यहां से चांसेस क्या होंगे, यहां से चांसेस होंगे कि प्राइस बढ़ सकती है। और नीचे आप देखें कि जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था उस लेवल पे आने के बाद ही प्राइस ने यहां से अपना रिवर्स लिया था। अब हमने 15 मिनट के लेवल भी ड्रॉ कर लिए हैं, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहां पर हम अपने 5 मिनट के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो अब हम 5 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। अब इस 5 मिनट के चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसा जोन है जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार रिवर्स कर रही थी। इस जगह पे भी आपको ये जोन देखने को मिल रहा है। तो हम इससे लगते हुए भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर भी हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और इससे लगते हुए भी हम अपना एक जोन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर हमने एक और जोन बना दिया है। तो इस तरीके से हमारे 5 मिनट के लेवल भी निकल कर आ चुके हैं, और अब अगर आप चाहें तो आप 1 मिनट के लेवल भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब 1 मिनट के लेवल भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज करना कैसा है, क्योंकि इतने लेवल हमने निकाल लिए हैं। तो अब हमें 1 मिनट के चार्ट में जो हमारा 5 मिनट का चार्ट था उसी से रिलेटेड यहां पर जोन देखने को मिल रहे हैं, तो इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये हमारा 1 मिनट का जोन भी हो चुका है। तो अब अगर आप चार्ट को वापस से बड़ा करके देखेंगे, मैं एक बार वीकली चार्ट फिर से लगाता हूं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे सामने कितने सारे लेवल निकल कर आ गए हैं। तो सबसे पहले ये हमारे सामने एक लेवल है, फिर ये एक लेवल है, अब इसके बाद ये वाला जो चार्ट है यहां पर देखिए कितने सारे लेवल्स हमारे सामने निकल कर आए हैं। यहां पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। तो यहां पे आप देखिए कि इस टाइम फ्रेम में ही हमारे सामने कितने सारे लेवल्स निकल कर आ गए हैं। अब वापस से यहां पर मैं इसमें 5 मिनट में लेकर चलता हूं, और देखते हैं कि अब जब आपके सामने लेवल आ गए हैं तो इन लेवल्स का आप यूज कैसे करेंगे। तो देखिए अब जब आपके सामने एक चार्ट के सारे लेवल्स निकल कर आ गए हैं, और अब आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो ट्रेड आप कैसे लेंगे। तो वो ट्रेड आप ऐसे लेंगे कि अगर कभी आपको चार्ट में दिखाई देता है, जैसे आप 5 मिनट में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अब आपने 5 मिनट का ही चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि अगर स्टॉक ने आपका ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया है, तो इस केस में आपको दिखाई देगा कि अगर शेयर ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब यहां से जो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। तो अगर शेयर ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और आपको समझ आ रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकती है, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ इसके बेसिस पर आपने पोजीशन नहीं लेनी है, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है कंफर्म होने का। और दूसरी चीज ये समझ आएगी कि अगर मान लीजिए ये वाला लेवल ब्रेक हो गया है, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद प्राइस कहां तक जा सकती है, वो इस वाले लेवल तक जा सकती है। यानी ये जो हमारा लेवल है 21,640 के आसपास है, क्योंकि प्राइस थोड़ा नीचे है, तो ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जो प्राइस है वो जो हमारा लेवल है इससे थोड़ा ऊपर, यानी 21,725 मैक्स तक जा सकती है। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहां पर कोई सिग्नल मिल रहा है और आप यहां पर बाय करते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, और तब तक के लिए आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इसका उल्टा अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि कल मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग होने पर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, तो यहां पर आप क्या मान के चल सकते हैं, यहां पर आप ये मान के चल सकते हैं कि आज मार्केट बेयरिश है और इसके बाद प्राइस गिर सकती है, और वो कहां तक गिर सकती है, वो इस वाले लेवल तक गिर सकती है। यानी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इस तरीके से चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया जाता है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, और वो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज किया है और उसके बाद आप 5 मिनट में अपना ट्रेड ले रहे हैं,
यानी आप ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर 5 मिनट में ट्रेड लेने के बाद ना कोशिश कीजिए कि चार्ट को उसके बाद 15 मिनट में देखिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जनरली करते क्या है कि आपने 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले लिया है, अब आपको दिखाई देता है कि 5 मिनट में तो कैंडल ऊपर नीचे जा रही है, और जिस हिसाब से कैंडल ऊपर नीचे जाती है आपके दिल की धड़कन भी उस हिसाब से ऊपर नीचे जाती है। तो यहां पर बेटर ये होगा कि आपने 5 मिनट में अपना ट्रेड ले लिया और उसके बाद आप 15 मिनट में अपना एनालिसिस करते रहिए। और अगर मान लीजिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने के बाद जो चार्ट है उसको 5 मिनट में कर सकते हैं और अपना एनालिसिस 5 मिनट के हिसाब से ही कर सकते हैं। तो ये एक इतनी बेसिक चीज है कि कैसे चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, इसको लोग पेड कोर्स में बनाकर बेचते हैं जो कि मैंने आपको फ्री में सिखा दिया है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, फिर तो आपको हमारी जो बेस्ट टाइम फ्रेम वाली वीडियो है वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां पर आपको वीडियो देखने को मिल रही होगी तो उसको अभी के अभी देख लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।